स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, दैट इज द चैप्टर टू, गोवा अ टूरिस्ट पैराडाइज। सो आपको पता है गोवा एक स्टेट है इंडिया का, जैसे कि इंडिया का स्टेट है यूपी है, उत्तर प्रदेश है, ऐसे ही गोवा भी इंडिया का एक स्टेट है। सो अ टूरिस्ट पैराडाइज, टूरिस्ट मीन्स जैसे कि पर्यटक होते हैं, घूमने जाते हैं, एंड पैराडाइज मीन्स हेवन, मीन्स जन्नत। सो गोवा को एक घूमने के लिए एक जन्नत माना गया है, मीन्स वो बहुत ज्यादा अच्छा प्लेस है, उसकी तुलना एक जन्नत से की गई है, हेवन से की गई है। सो फर्स्ट लुक एट द पिक्चर्स ऑफ सम फेमस प्लेसेस दैट आर पॉपुलर अमंग टूरिस्ट, मैच द पिक्चर्स विद देयर नेम्स। ये पिक्चर्स देखिए जो कि बहुत ज्यादा फेमस है टूरिस्ट के लिए, मीन्स घूमने वाली सभी जगह है ये, और जो बहुत ही ज्यादा फेमस है आपको पिक्चर्स देख करके मैच करना है कि ये कौन सी है। नंबर वन पर सभी को पता होगा ये क्या है, ये है हमारा ताजमहल, जो कि कहाँ पर है आपका, आगरा में है। एंड नंबर टू पर ये है आपका विक्टोरिया मेमोरियल, और ये आपका कहाँ पर है, कोलकाता में है। एंड नंबर थर्ड पर है ये आपका हवा महल, और ये आपका हवा महल कहाँ पर है, जयपुर में है। एंड नंबर फोर इज रेड फोर्ट, रेड फोर्ट मीन्स लाल किला, ये कहाँ पर है आपका, दिल्ली में है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट दिस स्टोरी, रीड एंड एंजॉय। Traveling to new places is always exciting and educative. हमेशा से कहीं भी अगर हम traveling कहीं पे यात्रा करते हैं, नई जगह पर यात्रा करते हैं, तो हमेशा वो बहुत ज्यादा excited होता है, exciting होता है, और वो हमेशा एजुकेटिव होता है। मीन्स एजुकेटिव मीन्स वहां से हम कुछ ना कुछ नई चीजें जरूर सीखते हैं। अगर हम किसी न्यू प्लेसेस पर जाते हैं तो वहां के खाना अलग होता है, या वहां के कपड़े पहनने का स्टाइल अलग होता है, लैंग्वेजेस अलग होती हैं, काफी सारी चीजें वहां की अपने एरिया से अलग होती हैं, तो वो आपका एजुकेटिव भी होता है। सो लेट अस फाइंड आउट हाउ शरद आनंदी एंड देयर पेरेंट्स एंजॉयड अ वेकेशन इन गोवा। सो चलिए अब हम इस स्टोरी में देखते हैं कि कैसे शरद आनंदी और उसके पेरेंट्स ने अपने जो छुट्टियां थी वो कैसे एंजॉय की। सो इस स्टोरी में जो शरत है वो ये है, आनंदी है वो ये है, और ये दोनों अपने पेरेंट्स के साथ मीन्स अपने माता पिता के साथ गोवा के ट्रिप पर आए हैं, घूमने आए हैं, और वो कैसे एंजॉय करते हैं। दे कम टू नो much about the people and their culture during the trip. So, अपने ट्रिप के दौरान उन्होंने क्या सीखा, उन्होंने पाया कि कैसे गोवा के लोग होते हैं, उनका कल्चर कैसा होता है, मीन्स उनकी संस्कृति कैसी होती है। सो वो इसमें सीखते हैं वहां पर ट्रिप करके। सो लेट्स स्टार्ट। शरद बिल्ट अ ब्यूटिफुल सैंड कैसल on the beach as his parents watched from a distance. शरद जो था वो एक उसने एक बहुत ही सुंदर रेत का किला, कैसल मीन्स किला, सो रेत का किला उसने एक बीच पर बहुत ही सुंदर सा बनाया, और उसके पेरेंट्स उसको दूर से देख रहे थे। देखिए आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि कैसे शरद ने ये किले को बनाया है। एंड हिज सिस्टर आनंदी हेल्प हिम टू डेकोरेट इट विथ सी शेल्स, और उसकी जो सिस्टर है आनंदी, इसकी सिस्टर का नाम क्या है शरद की, आनंदी, आनंदी उसको किले को, जो ये रेत का किला बनाया है उसको डेकोरेट करने के लिए उसकी मदद कर रही है। किस चीज से मदद कर रही है, सिप्पियों से। देखो यहाँ पर समुद्र किनारे हमें बहुत सारी सिप्पियां मिलती है ना, तो वो उनसे उसको डेकोरेट कर रही है। द कैसल हैज थ्री टावर्स,
एंड हाई वॉल्स। इस कैसल के मींस इस किले के तीन तो टावर हैं और ऊंची सी दीवार है जो कि आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा होगा। एट द होराइजन द सेटिंग सन लुक्ड लाइक अ ग्लोइंग गोल्डन बॉल। सो जमीन पर जो क्षितिज में एक लाइन सी बन रही है, जब पृथ्वी मतलब धरती और आसमान दूर से हमें देखने पर एक लाइन में दिखते हैं तो उसको बोलते हैं क्षितिज रेखा। सो वहां पर जाकर के जो सन है, सूरज है, वो डूब रहा है और वो बहुत ज्यादा चमक रहा है और वो एक गोल्डन बॉल की तरह हमें दिख रहा है। द सन रेज टर्न्ड एवरीथिंग गोल्डन एंड द वेव्स लैशिंग ऑन द शोर टस्ट देयर फीट। और जो सन की रेज है, सूरज की जो किरणें हैं, वो सभी को सारी चीजों को गोल्डन कर रही हैं, उसकी किरणें सभी चीजों पर पड़ रही हैं और वो सब गोल्डन हो रहा है। और जो ये लैशिंग मीन्स स्ट्राइकिंग और बीटिंग विद व्हिप और स्टिक, मीन्स जब आ रही हैं वेव्स आ रही हैं, मीन्स समुद्र की जो लहरें आ रही हैं वो उनके पैरों को टच कर रही हैं, छू रही हैं। मनोहर एंड कल्याणी हैड बीन प्लानिंग दिस ट्रिप टू गोवा फॉर 2 ईयर्स विद देयर चिल्ड्रन। सो मनोहर और कल्याणी जो हैं, ये कौन है, इन दोनों के पेरेंट्स जो हैं, वो इस ट्रिप को पिछले 2 साल से प्लान कर रहे थे। मीन्स वो प्लान कर रहे थे कि हम गोवा ट्रिप पर जाएंगे। शरद एंड आनंदी उनके दोनों के साथ, बच्चों के साथ। दिस वॉज द फैमिलीज फर्स्ट हॉलीडे ऑन अ सी बीच। और ये जो ये फैमिली का फर्स्ट हॉलीडे था सी बीच पर, मीन्स समुद्र पर आना, एक बीच पर आना, इनका ये पहला ऐसा हॉलिडे था कि वो एक सी बीच पर आई थी। द सन किस्ड बीचेस रोज ऑफ कोकोनट ट्रीज अलोंग देम एंड द वास्ट अरेबियन सी मेक गोवा अ परफेक्ट हॉलिडे स्पॉट। जो सन है वो बीचेस को टच करता है, आकर के मिल जाता है और वहां पर पंक्तियों में, रोज मिस होती है पंक्तियां, पंक्तियों में बहुत सारे कोकोनट के ट्रीज हैं। गोवा में जो है वो कोकोनट के ट्रीज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। कोकोनट के ट्रीज पंक्तियों में खड़े हुए हैं बहुत ज्यादा, उनके साथ ही और अरेबियन सी भी है, जो कि ये सारी चीजें गोवा को एक परफेक्ट हॉलीडे स्पॉट बनाती है, मीन्स एक छुट्टियों में एक शानदार स्पॉट बनाती है जो कि एक घूमने वाला बहुत अच्छा प्लेस है। दे कुड सी सम चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द बागा बीच व्हाइल सम टूरिस्ट वर सन बाथिंग। उन्होंने देखा कि कुछ जो चिल्ड्रन हैं वो कहां पर खेल रहे हैं, बागा बीच, ये बीच का नाम है बागा। कुछ चिल्ड्रन तो बागा बीच पर खेल रहे हैं और जबकि जो कुछ टूरिस्ट जो हैं, पर्यटक जो हैं, वो सन बाथिंग ले रहे हैं। सन बाथिंग मीन्स एक्सपोजिंग द बॉडी टू द सन, मीन्स जैसे हम नहाते हैं, शॉवर लेते हैं, वो तो हम वाटर से लेते हैं, बट अगर हम बीच पर चेयर्स होती हैं उन पर आराम से बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं और जो सूरज की किरणें होती हैं डायरेक्टली हमारी बॉडी पर पड़ती हैं, क्योंकि हमें हमारे लिए सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है हमारी बॉडी के लिए, जिनसे हमें विटामिन डी मिलता है। सो सन बाथिंग ले रहे हैं बहुत से पर्यटक, जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी दिखाया गया है। देखिए ये बैठा हुआ है और डायरेक्टली सूरज की किरणों में, ओके सो ये सन बाथिंग है। अ फ्यू पीपल वर स्विमिंग इन द सी। कुछ जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, समुद्र में तैर रहे हैं। आनंदी सडनली पुल्ड शरद्स टी शर्ट एंड सेड लुक दोज टू बोट्स आर कमिंग टूवर्ड्स द शोर। आनंदी अचानक से अपने भाई का टी शर्ट को खींचती है, शरद के टी शर्ट को, और बोलती है अरे देखो वो जो दो बोट्स हैं, जो नाव हैं, वो समुद्र की ओर, यहाँ पर किनारे की ओर आ रही हैं, समुद्र से किनारे की ओर आ रही हैं। दे आर मूविंग अप एंड डाउन ऑन द वेव्स। और वो ऊपर नीचे हो रही है, किसकी वजह से, जो वो लहरें हो रही है समुद्र में बीच में, उसकी वजह से वो ऊपर नीचे हो रही है।
शरद एंड कल्याणी टर्न टूवर्ड्स द बोट, और जो शरद और कल्याणी है, शरद है उसका भाई है आनंदिका और कल्याणी उनकी मदर है, उन्होंने बोट की तरफ देखा। मनोहर स्माइल्ड, दोज आर फिशरमैन हु गो आउट इन देयर बोट्स टू कैच फिश। और जो उनके फादर है मनोहर, वो स्माइल करते हुए बोलते हैं, अरे वो दोनों फिशरमैन है, मीन्स मछली पकड़ने वाले हैं, जो कि अपने बोट से जा रहे हैं मछलियों को पकड़ने के लिए। दे कास्ट नेट्स टू कैच क्रैब्स, प्रॉन्स, लॉबस्टर्स एंड वेरियस काइंड्स ऑफ फिशेस। और वो अपने नेट को फेंकेंगे, जाल को फेंकेंगे और क्या पकड़ेंगे, क्रैब्स, केकड़ी वगैरह, प्रॉन्स, लॉबस्टर्स एंड बहुत सारी अलग अलग टाइप की फिशेस को वो पकड़कर लेकर आएंगे। दे कम बैक एंड सेल देम, वापस से आएंगे वो और उनको वो बेचेंगे। आनंदी लुक्ड एक्साइटेड, ओके फादर विच प्लेसेस विल वी विजिट टुमारो। आनंदी बहुत एक्साइटेड होके पूछती हैं, ठीक है पापा, मगर हम कल कहाँ कहाँ पर घूमने जाएंगे। मनोहर सेड, वी विल विजिट अंजुना, कैंडोलिम एंड कैलंग्रिट बीचेस टुमारो। मनोहर बोलते हैं, उनके पापा बोलते हैं, हम अंजुना, कैंडोलिम एंड कैलंग्रिट बीचेस पर जाएंगे कल घूमने के लिए। We will also visit some churches. हम कुछ churches में भी जाएंगे घूमने के लिए। चर्च होते हैं, आपको पता होगा, सो गोवा में बहुत सारे चर्च हैं, तो वो बोलते हैं हम चर्च में भी जाएंगे। We will go to the Basilica of Bom Jesus in Old Goa and the Church of Saint Francis of Assisi. So वो बोलते हैं कि हम पुराने गोवा में, ओल्ड गोवा में, वहां पर भी जाएंगे, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस और चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ एसीसी, इनका नेम है ये, इनके नेम से चर्च है, वहां पर भी हम ये घूमने जाएंगे। लेट अस गो बैक टू द होटल एंड टेक सम रेस्ट नाउ। चलो अब वापस लौटते हैं अपने होटल पर और कुछ समय आराम कर लेते हैं। Later, the family had a quiet dinner at the hotel. बाद में क्या होता है, वो जो फैमिली होती है वो एक अच्छा सा डिनर करते हैं होटल में। They enjoyed the traditional food of Goa, fish curry, rice and arroz dos. उन्होंने वहां पर एंजॉय किया ट्रेडिशनल फूड ऑफ गोवा, जो मतलब गोवा में ज्यादातर खाने को मिलता है। और क्या मिलता है गोवा में खाने के लिए ज्यादातर, फिश करी, राइस, फिश में मछली, मछली की करी मिलती है, राइस मिलते हैं, चावल मिलते हैं एंड एरोज डोस। सो व्हाट इज एरोज डोस, अ पुडिंग मेड फ्रॉम राइस मिक्स्ड विद वाटर और मिल्क एंड डेयर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स। एक पुडिंग होता है जो कि बना हुआ आता है चावल के, चावल से बना हुआ आता है, दूध से बना हुआ आता है और उसमें कुछ और भी ज्यादा होते हैं, जैसे एज लाइक हमारी खीर होती है। After dinner, they went back to their room. Dinner करने के बाद वो अपने वापस से रूम पर आ जाते हैं। शरद एंड आनंदी sat next to their parents on the bed before going to sleep. शरद और आनंदी उनके बाद भी अपने माता पिता के साथ सोने के लिए चले जाते हैं। शरद asked curiously, "Father, tell us more about Goa." जो शरद है, शरद ने अपने पिता से पूछा एक्साइटेड होकर के, कि अच्छा मुझे कुछ गोवा के बारे में बताइए, अपने फादर से वो बोलता है शरद। मनोहर सेड, गोवा इज इंडिया स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड द फोर्थ स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। मनोहर बोलते हैं, उनके पापा बोलते हैं कि जो गोवा है वो इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है इंडिया का, एरिया वाइज, मीन्स जो जितना
बड़ा है, इतना बड़ा है एरिया वाइज, सबसे छोटा है पूरे इंडिया में गोवा, एंड फोर्थ स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन में जनसंख्या की दृष्टि से, मीन्स यहाँ पर कितने लोग हैं उसके अकॉर्डिंग ये फोर्थ नंबर पर आता है. इट इज लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया अलोंग द अरेबियन सी, और ये वेस्टर्न कोस्ट में अरेबियन सी के साथ जाकर यहाँ पर इसी के साथ मिल जाता है. रीनोन्ड फॉर ब्यूटिफुल बीचेस, और ये जाना जाता है किसके लिए जाना जाता है, किस चीज के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है, अपने ब्यूटिफुल सुंदर बीचेस के लिए. टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड अदर कंट्रीज फ्लॉक हियर फॉर एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, जो पूरे दुनिया के पूरे इंडिया के जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग देशों के लोग आते हैं, बहुत फ्लॉक मीन्स कम इन लार्ज नंबर्स, मीन्स बहुत सारी संख्या में लोग आते हैं और यहाँ से एक कभी ना भूलने वाला एक्सपीरियंस लेकर जाते हैं. पनजी इज द कैपिटल ऑफ गोवा, और पनजी जो है वो गोवा की कैपिटल है. द अदर इम्पॉर्टेंट सिटी इज मारगोवा, और जो दूसरी इम्पॉर्टेंट सिटी है यहाँ पर गोवा में वो है मारगांव. क्या है? मारगांव. इजंट ऑल दिस इंटरेस्टिंग, द चिल्ड्रन नोडेड यस फादर, सो उनके पिताजी ये सारी चीजें बताने के बाद फादर पूछते हैं क्या ये सब इंटरेस्टिंग नहीं है ये सारी चीजें, तो चिल्ड्रन जो है वो शरद जो है बच्चे वो अपने सर हिलाते हैं, हाँ बिल्कुल फादर ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. आनंदी लिसेंड कीनली एज कल्याणी फर्दर एडेड, दिस प्लेस इज रिच इन फ्लोरा एंड फौना एज इट इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न घाट्स रेंज. आनंदी जो जो कि बहुत ज्यादा ध्यान से सुन रही थी सारी बातें, आगे जो कल्याणी की कल्याणी जो है उनकी माँ जो है वो आगे बोलती है, बीच कहती है कि जो ये प्लेस है ये जो जगह है वो फ्लोरा एंड फौना मीन्स अ कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन अ पर्टिकुलर प्लेस, मीन्स यहाँ पर पर्टिकुलर टाइप के एक निश्चित प्लांट्स पाए जाते हैं और एनिमल्स पाए जाते हैं. सो यहाँ पर ये इस चीज के लिए बहुत ज्यादा ये प्रसिद्ध है और ये यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स भी हैं. यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट गोवा हैज अ लिटरेसी रेट ऑफ 87%, और तुम्हें ये जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि यहाँ के जो लिटरेसी रेट है मीन्स लिटरेसी रेट मीन्स यहाँ पर कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ के लगभग 87% लोग पढ़े लिखे हैं. Here most of the men and women are literate. So यहाँ पर ज्यादातर लोग जो हैं और आदमी जो हैं औरतें हैं वो सारे के सब पढ़े लिखे हैं. कोंकणी is the official language here. मराठी हिंदी एंड पोर्टुगीज आर also spoken by the people. यहाँ की जो official language है वो कौन सी है? कोंकणी है. और लेकिन यहाँ पर मराठी भी बोली जाती है, हिंदी भी बोली जाती है एंड पोर्टुगीज भी बोली जाती है यहाँ के लोगों के द्वारा. सो यू कैन लर्न कोंकणी हियर चिल्ड्रन, सो तुम यहाँ पर कोंकणी सीखोगे बच्चों. कोंकणी एक टाइप की लैंग्वेज है, जैसे हमारी हिंदी है वहां पर लोग कोंकणी बोलते हैं ज्यादातर. सो उनके मम्मी पूछती हैं क्या तुम कोंकणी सीखोगे बच्चों. सो शरद एंड आनंदी लुक्ड कंफ्यूज्ड, बट हाउ कैन वी लर्न इट इन टू डेज. जो शरद और आनंदी है वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे मॉम हम सिर्फ दो दिनों में ये लैंग्वेज कैसे सीख सकते हैं. कल्याणी सेड, आई वॉज नॉट सीरियस, आई नो इट इज इम्पॉसिबल इन टू डेज. कल्याणी बोलती हैं, उनकी मम्मी बोलती हैं, हाँ मैं जानती हूँ मैं मजाक कर रही हूँ, सिर्फ मुझे पता है कि सिर्फ दो दिनों में कोई लैंग्वेज नहीं सीख सकते हैं. Now go off to sleep. We have to visit many places tomorrow. So अब वो बोलती हैं चलो अब जाओ सोने के लिए जाओ क्योंकि हमें कल को अलग अलग places पे जाना है घूमने के लिए. Next day the family hired a cab and visit the Basilica of Bom Jesus in old Goa.
अगले दिन क्या होता है, वे हायर करते हैं एक कैब को, मीन्स एक कैब मीन्स एक कार होती है, ऑप्टेन समथिंग टेम्पोरेली, फॉर एग्जाम्पल अ टैक्सी, जैसे कि हम टैक्सी किराए पर ले लेते हैं ना, उसी टाइप की कैब होती है, कैब ले उन्होंने हायर की, और वह जाते हैं बॉसिलिका ऑफ बॉम जीसस इन ओल्ड गोवा में, यहाँ पर वो जाते हैं। शरद सेड टू हिज फादर, व्हाई डू सो मैनी पीपल कम हियर, शरद बोलता है कि यहाँ पर ज्यादातर लोग क्यों आते हैं। मनोहर patiently answered, well, it holds the mortal remains of Saint Francis Xavier, regarded as the patron saint of Goa. जो मनोरोग होते हैं वो बोलते हैं आराम से, patiently बोलते हैं कि ये जो है सेंट फ्रांसिस जो है वो एक धर्म प्रचारक थे, मीन्स धर्म को फैलाने वाले थे और संरक्षक थे, एक सेंट थे, इसी वजह से यहाँ पर सभी के सभी विजिट करने आते हैं। दे लिट कैंडल एंड आल्सो विजिटेड द चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैंडल्स जलाई और विजिट किया कौन से चर्च में, सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी के चर्च भी वो गए। बाय आफ्टरनून, दोपहर के समय, दे रीच्ड द कैलेंग्वेट बीच, दोपहर के समय वह कैलेंग्वेट बीच पर पहुंच जाते हैं। दे टुक अ डिप इन द सी एंड द चिल्ड्रन स्प्लैश्ड वाटर ऑन ईच अदर, वह देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो नहा रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर पानी को फेंक रहे हैं। लेटर दे हैड सम फ्राइड फिश एंड सना फ्रॉम अ शैक, बाद में वो कुछ फ्राइड फिश मीन्स तली हुई फिशेस और एंड सना क्या है, ये अ ड्राई राइस केक, एक केक होता है चावलों से बना हुआ, उसको बोलते हैं सना। एंड शैक अ स्मॉल शॉप दैट सेल्स फूड और समथिंग एल्स, वो क्या करते हैं एक शैक से, एक शैक मीन्स एक छोटी सी दुकान, जो कुछ जैसे चीज की दुकान होती है ना, ऐसी चीज की शॉप से वो फ्राइड फिश खरीदते हैं और सना मीन्स अ ड्राई राइस केक खरीदते हैं। दे आल्सो विजिटेड द कैंडोलिम बीच, वे कैंडोलिम बीच भी जाते हैं। दे वर अमेज्ड टू सी टूरिस्ट एंजॉयिंग वाटर स्पोर्ट्स लाइक वाटर सर्फिंग, वाटर स्कीइंग एंड स्कूबा डाइविंग एट द सेंक्वेरियम बीच। तो वो देखते हैं कि जो जितने भी यात्री हैं, जैसे आपको ये पिक्चर्स में दिख रहा होगा, कितना मजा कर रहे हैं, सभी के सभी वाटर सर्फिंग कर रहे हैं, देखिए वाटर सर्फिंग कर रहे हैं, वाटर स्कीइंग कर रहे हैं एंड स्कूबा डाइविंग एट द सेंक्वेरियम बीच। इस सेंक्वेरियम बीच, इस बीच का नाम है, यहाँ पर वो एंजॉय कर रहे हैं पीपल। मनोहर एंड कल्याणी एंजॉयड पैरासेलिंग, सो वॉट इज पैरासेलिंग, ग्लाइडिंग थ्रू द एयर वेयरिंग एंड ओपन पैराशूट वाइल बींग टोड बाई अ मोटर बोट। सो पैरासेलिंग ऐसा होता है कि एक मोटर बोट से, एक रस्सी से एक पैराशूट को बांध दिया जाता है और उसके उसमें वो यात्री चले जाते हैं। सो ये मनोहर एंड कल्याणी इसको मजा ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा होगा, यही आपकी पैरासेलिंग है। शरद एंड आनंदी क्लैप्ड व्हेन देयर पेरेंट्स वर लिफ्टेड अप इन द एयर, शरद और आनंदी क्लैप करते हैं, तालियां बजाते हैं, जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, तालियां बजाते हैं जब उनके माता पिता जो हैं वो हवा में चले जाते हैं। सो व्हेन दे लैंडेड द चिल्ड्रन वेट ऑन वाटर स्कूटर्स, और जो जब वो वापस से उसमें आते हैं, पानी में आते हैं, तो वो एज अ वाटर स्कूटर्स की तरह लगते हैं। वाटर स्कूटर्स मीन्स अ मोटर बोट रिजेम्बलिंग अ मोटर स्कूटर। इट वॉज लाइक राइडिंग मोटर बाइक्स ऑन द सी, दे वर वेरी हैप्पी, वो ऐसे लगते हैं जैसे कि एक मोटर बाइक को समुद्र के ऊपर चला रहे हैं, एक बाइक को समुद्र पर चला रहे हैं और वो बहुत ज्यादा खुश थे। ऑन देयर वे बैक टू द होटल,
These are groups of youngsters playing football on the beaches and in open grounds. जब वो वापस से अपने होटल में आते हैं तो वे देखते हैं ग्रुप में लोग खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं बीच के ऊपर ओपन ग्राउंड में. मनोहर सैड फुटबॉल इज अ पॉपुलर स्पोर्ट इन गोवा. मनोहर बोलते हैं कि जो फुटबॉल है वो यहाँ का एक विख्यात खेल है. द मेन फुटबॉल स्टेडियम इज द नेहरू स्टेडियम इन मारगांव. और जो यहाँ पर मारगांव में नेहरू स्टेडियम है जो कि बहुत फेमस है. मैनी क्रिकेट मैचेस आर आल्सो प्लेड देयर. बहुत सारे क्रिकेट के मैचेस भी यहाँ पर खेले जा चुके हैं. आई आल्सो लाइक टू प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, चिप्ड शरद. शरद बोलता है मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है फुटबॉल खेलना और क्रिकेट खेलना. दे आल्सो विजिटेड फोर्ट एग्वेडा बिफोर रिटर्निंग टू देयर होटल. वो फोर्ट एग्वेडा भी जाते हैं अपने होटल से, अपने होटल पर वापस आने से पहले. दे बॉट की चेन्स एंड डेकोरेशन पीसेस मेड ऑफ सी शेल्स एज सोविनियर्स. वो खरीदते हैं, की चेन्स खरीदते हैं, चाबियों के गुच्छे जो होते हैं वो खरीदते हैं, डेकोरेशन के पीसेस खरीदते हैं, सजावट का सामान खरीदते हैं. सो वो लोग खरीदते हैं कुछ समुद्र की सीपियां एज सोविनियर्स. सोविनियर्स मीन्स थिंग्स दैट रिमाइंड पीपल ऑफ सम प्लेस और इवेंट. के जैसे कुछ चीज़ें वहाँ कहीं की हम खरीदते हैं, कहीं की कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं, हम इसलिए वहाँ की चीज़ें खरीदते हैं ताकि उन चीज़ों को देख करके हमें वहाँ की याद आती रहे, हमें ध्यान रहे कि हम वहाँ से घूमने गए थे और ये चीज़ लेकर आए थे. एट नाइट द बैग्स वर पैक्ड बिफोर दे वेंट टू बेड. और रात में वो उन्होंने बेड पर मतलब मीन सोने से पहले उन्होंने अपना सामान को पैक कर लिया था. कल्याणी सेड गुड नाइट, टुमारो वी विल बी बैक होम. एवरीवन स्माइल्ड एंड सेड यस. कल्याणी बोलती है ओके गुड नाइट और कल हम अपने घर वापस जाएंगे. सभी ने मुस्कुराकर आंसर दिया यस. मनोहर सेड गोन्स आर चेयरफुल एंड फ्रेंडली पीपल. गोन्स मीन्स पीपल ऑफ गोवा, मीन्स गोवा के लोग. मनोहर बोलते हैं, उनके मीन्स फादर बोलते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश मिजाज हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. वी कम टू नो अ लॉट अबाउट द पीपल एंड कल्चर ऑफ गोवा. हमें पता लगा है कि यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ का कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है. हमें ये सारी चीज़ें यहाँ पर आकर के पता लगी हैं. वी शुड रेस्पेक्ट ऑल दिस. और हमें इन सभी का सम्मान करना चाहिए. आई लव दिस प्लेस. मुझे यह प्लेस बहुत पसंद आया. सो इट्स कंप्लीटेड. बाय बाय. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.